हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हमीरपुर में हुई। बैठक प्रदेश अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय पावर डिप्लोमा फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीएस डटवालिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बोर्ड प्रबंधकों की ओर से डिप्लोमा इंजीनियरों के साथ किए जा रहे सौतेले व्यवहार और बरसों से लंबित मांगों पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि बोर्ड प्रबंधकों ने उनकी समस्याओं का निराकरण 30 अप्रैल तक नहीं किया तो 1 मई से 3 चरणों में प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी बोर्ड प्रबंधकों की होगी। प्रथम चरण में 1 मई से 6 मई तक ऑफिशियल मोबाइल बंद रखे जाएंगे। दूसरे चरण में 7 से 13 मई तक वर्क टू रूल किया जाएगा। तीसरे चरण में 14 मई को बोर्ड मुख्यालय शिमला में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यदि फिर भी उनकी मांगों पर हल नहीं किया जाता है तो शिमला में धरने में ही आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की जाएगी। कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में डिप्लोमा इंजीनियरों को ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, 30 वर्ष बाद मिलने वाली पहली प्रमोशन पर वेतन वृद्धि भी नहीं की जा रही है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा और बिजली बोर्ड के प्रबंधकों से आग्रह किया है कि 30 अप्रैल से पहले वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान करें। बिजली बोर्ड के डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक यहाँ सम्पन्न हुई और इसमें ये निर्णय लिया गया कि डिप्लोमा इंजीनियरों के साथ जो सौतेला व्यवहार बिजली बोर्ड प्रबंधक कर रहे हैं उससे तंग होकर के हमें आंदोलन की तरफ अग्रसर किया जा रहा है, जिसके बारे में रणनीति बनाई गई। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि डिप्लोमा इंजीनियर पढ़ी लिखी डिसिप्लिन्ड अनुशासित वर्ग है और हम जनता के कार्यों को छोड़ करके कभी आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाते ना ही अपनाना चाहते हैं, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि हमारी जो संशोधित वेतनमान की ग्रेड पे है वो पंजाब सरकार आज से वर्षों पहले पंजाब में लागू कर चुकी है, हिमाचल प्रदेश सरकार भी अपने विभागों में लागू कर चुकी है, पंजाब बिजली बोर्ड 2011 से उसे लागू कर चुका है, लेकिन हिमाचल बिजली बोर्ड के प्रबंधक आज तक डिप्लोमा इंजीनियरों को वो ग्रेड पे देने में आनाकानी कर रहे हैं, जिससे मजबूर होकर के हमें संघर्ष की राह अपनानी पड़ रही है और हम 30 अप्रैल तक बोर्ड प्रबंधकों को एक नोटिस देने जा रहे हैं। 30 अप्रैल से तक अगर इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो हम 1 मई से अपना ट्रेड यूनियनिस्टिक मेथड से एक्शन शुरू करेंगे, जिसमें अपने मोबाइल फोन बंद करना और वर्क टू रूल करना शामिल है और अगर 13 मई तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ तो 14 मई को बिजली बोर्ड के मुख्यालय कुमार हाउस शिमला में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इस बीच हम प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी से, पावर मिनिस्टर अनिल शर्मा जी से और बोर्ड प्रबंधकों से यह विनम्र निवेदन करेंगे कि 30 अप्रैल से पहले पहले हमारी समस्याओं का निराकरण करें, ताकि हम जो अपनी ऊर्जा जनता के विकास कार्यों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए लगाना चाहते हैं उसे हमें मजबूर होकर के सड़कों के ऊपर आंदोलन करने में ना लगाना पड़े। सर, पहले भी क्या